कोलकाता को कहा जाता है द सिटी ऑफ जॉय। शहर के लोग हमेशा हैप्पी रहते हैं, हर एक फेस्टिवल्स को एंजॉय करते हैं। कोलकाता की कल्चर एंड संस्कृति पूरे देश में जाना जाता है। कोलकाता कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया, सिटी ऑफ लिटरेचर, सिटी ऑफ लाइट्स के साथ साथ अब एक नया खिताब भी अपने नाम कर लिया है। कोलकाता इंडिया का सबसे ज्यादा सेफेस्ट सिटी बनकर पहला स्थान हासिल किया है। लगातार कई सालों तक कोलकाता देश का सबसे ज्यादा सेफेस्ट सिटी बनकर पहले नंबर पर टिका हुआ है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB की रिपोर्ट के अनुसार कोलकाता सबसे ज्यादा सुरक्षित शहर है और लगातार कई सालों तक पहले नंबर पर विराजमान है। NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो हर साल देश के बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन शहर के ऊपर, जिन शहरों की पॉपुलेशन 20 लाख से ज्यादा है, उन पर हर साल सर्वे की जाती है शहर की क्राइम रिकॉर्ड्स के ऊपर, और उसमें ही कोलकाता की क्राइम रिकॉर्ड देश के काफी शहर के तुलना में सबसे कम है। देश के अन्य शहर के तुलना में प्रति लाख जनसंख्या पर सबसे कम अपराध है। इसी के आधार पर सबसे सुरक्षित शहरों की सूची में कोलकाता का नाम सबसे ऊपर आ गया है। इससे पहले 2017, 18, 20 और 2021 में भी कोलकाता का नाम इस सूची में सबसे आगे था। सेंट्रल रिपोर्ट के अनुसार कोलकाता में प्रति लाख जनसंख्या पर दर्ज अपराध 103.4 है। पिछले साल की तुलना में ये संख्या और कम हुई है। पिछले साल ये संख्या 129.5 थी। अगर देश के बाकी शहरों के साथ कोलकाता की कंपेयर करें तो अन्य शहर के अपराध संख्या के तुलना में कोलकाता की अपराध संख्या काफी नीचे है। आइए एक नजर में देखते हैं लिस्ट में कौन शहर कौन रैंक पर है एंड वहाँ की क्राइम रेट कितनी है। सेफेस्ट सिटी की रिपोर्ट के अनुसार कोलकाता नंबर 1 पर है एंड यहाँ की क्राइम रेट 103.4 है। लिस्ट में सेकंड रैंक पर है पुणे एंड यहाँ की क्राइम रेट 256.8 है। लिस्ट में थर्ड रैंक पर है हैदराबाद, यहाँ की क्राइम रेट है 259.9। लिस्ट में फोर्थ रैंक पर है कानपुर, यहाँ की क्राइम रेट है 336.5। लिस्ट में फिफ्थ रैंक पर है बेंगलोर, यहाँ की क्राइम रेट है 427.2। लिस्ट में सिक्स्थ रैंक पर है मुंबई, यहाँ की क्राइम रेट है 428.8, जो बेंगलोर से थोड़ा ज्यादा है। लिस्ट में सबसे अनसेफ सिटी के तौर पर राजधानी दिल्ली को बताया गया है, जहाँ पे कोलकाता की क्राइम रेट 2016 से कम होते आ रहा है। वही राजधानी दिल्ली की क्राइम रेट लगातार 40% इंक्रीज हुई है। 2 माइनर गर्ल्स वर रेप्ड एवरी डे इन नेशनल कैपिटल इन 2021, मेकिंग इट द मोस्ट अनसेफ सिटी फॉर वुमेन इन द कंट्री। दिल्ली इज फॉलोड बाय मुंबई एंड बेंगलोर इन द रैंक लिस्ट फॉर क्राइम अगेंस्ट वुमेन। वही महिलाओं पे हुआ अपराध की संख्या कोलकाता में सबसे कम है एंड हर साल ये और कम होते जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार 2021 में कोलकाता में सिर्फ 11 रेप की घटना हुई है और राजधानी दिल्ली में ये संख्या है 1126। बीते एक साल में कोलकाता में मर्डर हुआ है 45, एक्सीडेंट हुआ है 179, वही दिल्ली में एक साल में मर्डर हुआ है 1200 एंड एक्सीडेंट हुआ है 1178। कोलकाता में महिलाओं पर क्राइम हुआ है 127 एंड दिल्ली में ये संख्या है 1023। अकॉर्डिंग टू NCRB सारे क्राइम रिपोर्ट की संख्या कोलकाता में सबसे कम है। आखिर कोलकाता में क्राइम रिपोर्ट की संख्या इतना कम और लगातार कम कैसे हो रहा है? कोलकाता में रहने वाले लोग काफी समझदार हैं, सतर्क हैं, ज्यादातर लोग एजुकेटेड हैं, क्राइम को लेकर नॉलेज है, यहाँ के कल्चर सबको रिस्पेक्ट करना सिखाता है। एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही स्ट्रिक्ट है एंड ऑब्वियसली कोलकाता पुलिस क्राइम को लेकर बहुत एक्टिव है एंड क्राइम को कम करने के लिए अच्छी मैनेजमेंट यूज करती है। तो थैंक्स टू कोलकाता पुलिस। यहाँ पे महिलाओं पर अपराध कम है क्योंकि बंगाली कल्चर के अनुसार माँ दुर्गा एंड माँ काली एक नारी है। एक नारी को यहाँ पे सुप्रीम पावर के तौर पर माना गया है। बंगाली कल्चर में महिलाओं को ऊंचा दर्जा एंड अलग सा सम्मान दिया गया है और यहाँ के स्टेट चीफ मिनिस्टर खुद एक महिला है। कोलकाता में एक खुली आजादी है, यहाँ पे देर रात महिला बिना डर के घर से निकल सकती है। यहाँ के संस्कृति में महिलाओं को सम्मान दिया गया है, शायद इसलिए कोलकाता इतना सुरक्षित है। और हमें उम्मीद है कोलकाता को देखकर इंडिया के बाकी शहर को भी सीख मिलेगी एंड क्राइम रेट और कम हो जाएगा। होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा पाने के लिए। जय हिंद, जय भारत।